हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और ये लेक्चर नंबर 13 है हमारे पास पीडी का। फिर इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अगर हमारे पास इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो तो उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 है उसमें जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। अब और उसके कुछ एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए थे। अब इसमें है हमारे पास जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू की फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में सोल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो बस इस कंडीशन में अगर सोल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्म हमारे पास जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, देन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी, यानी ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इसका भी एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है हमेशा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी एफ पी क्यू मिल जाए हमारे पास, हो सकता है उसको हमें चेंज करना पड़े, चेंज करके इस तरह से बनाना पड़े। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्व करना है हमें 4xyz इक्वल टू पी क्यू प्लस 2p एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2q एक्स वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है हमें। तो फ्रेंड्स कोशिश करनी है कि जो p है p के साथ x रह जाए बाकी टर्म हट जाए, इसी तरह q के साथ y रह जाए बाकी टर्म हट जाए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट x स्क्वायर बराबर x एंड y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर y, यानी स्मॉल x स्क्वायर बराबर कैपिटल x और स्मॉल y स्क्वायर बराबर कैपिटल y हमने अज्यूम कर लिया। तो फिर से अगर हम p की वैल्यू चेक करें, p की वैल्यू p बराबर क्या होता है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या इसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स और कैपिटल डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा तो यही टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहां पे अगर हम डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर था हमारे पास एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स तो 2x इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएट करने पे। तो p की वैल्यू आई हमारे पास यहां से, इसकी वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिख देंगे तो हम 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। फ्रेंड्स इसी तरह हमारे पास अगर q की वैल्यू के लिए देखें हमें तो q की वैल्यू है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई डॉट डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई स्मॉल वाई। तो इसकी वैल्यू यहां से इसी की तरह हम 2y लिख सकते हैं तो यहां से q बराबर आ जाएगा 2y डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई। अब ये आ गया हमारे पास p बराबर भी आ गया q बराबर भी आ गया। अब p और q की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं ये वैल्यूज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4xyz इक्वल टू p और q, p की वैल्यू क्या है 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो 2x और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q की वैल्यू है 2y तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 4xy और ये हो गया डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स फ्रेंड्स डेल वाई, ये हो गया प्लस 2p की जगह वैल्यू पुट करनी है, p की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये x से x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है पहले ऑलरेडी है तो x क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास y
और डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस, और अगर इसमें देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा हमारे पास टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो टू इंटू टू फोर, और वाई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब, और यहाँ पे एक्स है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया। अब फिर से अगर हम फोर एक्स वाई को इसका फोर एक्स वाई को डिवाइड इधर कर दें पूरे टर्म में, तो हमारे पास आ जाता है जेड बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस, इधर फोर एक्स वाई का मल्टीप्लाई हुआ है फोर एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी वाई तो फोर एक्स, फोर से फोर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो फोर आया प्लस एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली इधर आया फोर वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल इवेंट्स वाई, ये हमारे पास वाई। फिर ये आ गया, बट हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हैं, हमने यहां पे अर्जुन क्या एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई, तो जेड बराबर आ गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है यहां पे। अब ये हो गया हमारे पास, तो अब इसको और इससे मेल करें तो फ्रेंड मैच करें इससे, तो अगर इसको हम क्या पी मान लें, मैं यहां पे लिख देता हूं इस इक्वेशन को अच्छे से, यहां पे जेड बराबर, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं इस टर्म को पी मान रहे हैं इस टर्म को, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल पी, मान लिया कैपिटल पी, और ये एक्स, इस तरह इसको हमने कैपिटल क्यू मान लिया, और ये वाई, और जैसे ये टर्म है ये हमारे पास पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू, तो ये हो गया हमारे पास, इस टर्म से मैच खा रही है ये टर्म, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इससे, यहां से इसे तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म में होता है, हमने अभी पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी, अगर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, या हम एक्स और वाई की वैल्यू अगर पुट कर दें तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा जेड बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था प्लस ए बी। फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, तो इस तरह के अगर इसके हमारे पास क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन का ओनली एक तरीका नहीं है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, इसी प्रॉब्लम को और भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक मेथड नहीं है, इसके मेथड और भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक तो कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9460689761, इस पर कॉल नहीं करना है, और मेरी मेल आईडी है HITESHMEENA9785168@gmail.com, आप कहीं पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।